वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से हम एलईडी पैटर्न्स बनाते हैं। यहाँ पर हम अपना सेकंड पैटर्न स्टार्ट करने वाले हैं। एलईडी के सेकंड पैटर्न में, जैसा कि मैंने आपसे पहले पैटर्न के टाइम पर कहा था कि एलईडी का जब हम सेकंड पैटर्न करेंगे तो उसको किस तरह से चलाएंगे, यानी कि हमारी एलईडी पहले चलती हुई ऊपर तक पहुंचेगी और फिर वापस वहीं से जाएगी। यह हमारा सेकंड एलईडी का पैटर्न था। मैं अब ये समझता हूं कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि किस तरह से हम लोग अपने प्रोग्राम्स को करते हैं और आप उसको बखूबी सीख रहे हैं। यहाँ पर मैं, ये हमारा प्रोग्राम है और ये हमारा कनेक्शन इमेज कि किस तरह से हम अपना अटैचमेंट करेंगे वायर्स का। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, जितने भी रेड वायर्स देख रहे हैं इनके साथ 220 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये 220 ओम के रेजिस्टेंस के साथ हमने एलईडी का पॉजिटिव लैग जोड़ा हुआ है। यहाँ पर ये सारे एलईडी के पॉजिटिव लैग हैं। जो ब्लू कलर का वायर देख रहे हैं ये एलईडी का नेगेटिव लैग है और ये ग्राउंड के साथ अटैच्ड है। यहाँ पर हमने इस वायर को अटैच कर दिया और इसी के साथ सारे कैथोड लैग्स यानी कि नेगेटिव लैग्स को ऐड कर दिया है हमने पीछे की तरफ। तो मेरे को लगता है कि इस इमेज से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि हमारे कनेक्शन किस तरह से हैं। आप एक दो मिनट और इस कनेक्शंस को देखें, एक आध सेकेंड आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और अपने ब्रेडबोर्ड में ठीक इसी तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने प्रोग्राम के ऊपर। देखिए, हम अभी तक एलईडीज के बारे में बात करते आ रहे हैं। प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में आप एलईडी के बारे में पढ़ चुके हैं और चीज़ों को समझ चुके हैं। यहाँ पर आप इससे पिछले लेसन्स में आपने एलईडी के कनेक्शंस देखे, किस तरह से जोड़ते हैं ये समझ में आया आपको, और लास्ट लेसन में आपने एलईडी का पहला पैटर्न बनाया था। हम एलईडी के 3 से 4 पैटर्न करेंगे। इन पैटर्न की हेल्प से आपको कंडीशन समझ में आएंगी कि किस तरह से लगाई जाती हैं। बेसिकली आप प्रोग्रामिंग भी सीख रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामिंग करते हैं और हार्डवेयर में आपका प्रैक्टिकल होने लगता है। मैं दोबारा से कुछ चीज़ों को रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए और उन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आप प्रीवियस लेसन्स को देख सकते हैं। मैं दोबारा से बताता हूँ, INT इंटीजर कहलाता है। इंटीजर हमारे नंबर्स के लिए यूज़ होता है। ये नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकते हैं। हमने एलईडी फीडिंग के टाइम पे देखा था कि हम 0 से 255 तक की वैल्यू लिख रहे थे और वहीं हम 0 से -255 और -255 से 255 तक की वैल्यू ले सकते हैं। उनको लेने के लिए इंटीजर का यूज़ होता है। साथ ही साथ हमारे डिजिटल पिंस और एनालॉग पिंस, दो तरह के पिंस हैं। डिजिटल पिंस में भी, क्योंकि वो नंबर से हम डिनोट करते हैं, उनको लेने के लिए भी हम इंटीजर का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पिन नंबर 3 पर मैंने अपनी पहली एलईडी लगाई है। तो पिन नंबर 3 को लेने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा और इस 3 को लिखने के लिए मेरे को इंटीजर लेना पड़ा। अब मैंने एलईडी 1 एक नेम ले रखा है। इस नेम की जगह पर आप कोई और नाम भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनका नाम क्या रखना चाहेंगे। हमें प्रोग्राम लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रोग्राम इतना स्पष्ट और साफ होना चाहिए कि यदि कोई आपका प्रोग्राम पढ़े या आज से 6 महीने बाद आप खुद का प्रोग्राम पढ़ें तो आपको हर एक चीज़ पता चल जाए कि आपने प्रोग्राम क्यों और किस लिए लिखा था। इसलिए हम यही कोशिश करते हैं कि हम हर एक नाम को वही यूज़ करें जो जिस काम के लिए यूज़ किया जा रहा है, जिससे आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर मिले। ठीक इसी तरह से हमने इंटीजर एलईडी 2 और पिन नंबर 4 पे लगाया। इसी प्रकार हमने अपनी 9 की 9 एलईडीज़ को कनेक्ट किया और पिन नंबर और सबका नाम एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी 3, सो ऑन एलईडी 9 तक रखा। टर्मिनेटिंग पॉइंट के बारे में या सेमी कॉलन के बारे में आपको हर एक वीडियो में बताया जा रहा है, इसको लगाना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके हर एक लाइन के कंप्लीट होने के बाद ज़रूर लगना चाहिए। या आप इसको ऐसा लग कर सकते हैं कि केवल वॉइड सेटअप और वॉइड लूप के बाद ये नहीं लगता, या फिर किसी कंडीशन को जब आप अप्लाई करते हैं
तब ये नहीं लगता, पर इसके बाद ज़रूर लगता है। एलईडी पैटर्न्स के बाद भी हम आपको क्या कराएंगे उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, जिससे और उसके बाद एक पैटर्न से दोबारा दोहराया जाएगा, जहाँ पर आपको इफ एल्स की कंडीशन और फॉर लूप कंडीशंस के बारे में भी बताया जाएगा। इसी प्रकार आप करते करते प्रोग्रामिंग में भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी एलईडी को बताने के बाद अपना वॉइड सेटअप करा है। वॉइड सेटअप जहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं, हमने अपनी एलईडीज़ को इनिशियलाइज़ करने के बाद डिक्लेरेशन वाले पोर्शन में पहुँच गए हैं, जहाँ वॉइड सेटअप लिखा है। और वॉइड सेटअप के अंदर हम पिन मोड के थ्रू डिक्लेयर करते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सा हार्डवेयर और उसका काम क्या है। यहाँ पे दो ही चीज़ें डिनोट की जाती हैं, पिन मोड यानी कि पिन का मोड कैसा है, क्या वो इनपुट की तरह काम करेगा या वो आउटपुट की तरह काम करेगा। यह व्यवहार या ये डिपेंड करता है हमारे हार्डवेयर के ऊपर कि उसकी प्रतिक्रिया कैसी है या उसकी प्रकृति कैसी है। आम भाषा में कहूँ तो वो उसकी नेचर कैसी है, क्या वो इनपुट है या वो आउटपुट है। अगर वो इनपुट है तो हम पिन मोड, जो भी हमारा हार्डवेयर है उसका नाम, और आगे इनपुट लिखेंगे। हमें इनपुट और आउटपुट हमेशा कैपिटल ही लिखने होते हैं। अगर हम इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो हमारा एरर शो होगा। जैसा कि इससे पहले लेसन में भी बताया गया था कि हर एक प्रोग्रामिंग की अपनी एक कार्यशैली होती है, एक भाषा होती है, जिस तरह से उसको लिखना होता है हम उसी तरह से उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे पिन मोड एलईडी 1 आउटपुट, क्योंकि हमें पता है हमारी एलईडी आउटपुट है तो हम उसको आउटपुट लिखेंगे। इसी प्रकार हमने अपनी सभी एलईडीज़ को आउटपुट डिक्लेयर कर दिया और अपना वॉइड सेटअप का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद हम लिखते हैं वॉइड लूप। वॉइड लूप में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि वॉइड लूप में हर एक काम को दोहराया जाता है। लूप का मतलब होता है किसी भी काम को दोहराना या किसी काम को बार बार करना। ये काम जब तक चलता है जब तक आपके आर्डिनो बोर्ड के पास पावर है। अगर आप आर्डिनो बोर्ड की पावर कनेक्शन ख़त्म कर देंगे तो ये प्रोग्राम रुक जाएगा। या आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि ये प्रोग्राम एक इन्फिनिटी लूप में चला जाता है और ये इन्फिनिटी टाइम तक चलता रहता है जब तक आपके बोर्ड के पास पावर है। जैसा कि पहले बताया गया था कि प्रोग्राम कभी भी लिखेंगे तो उनकी स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस से होगी और उनका एंड भी कर्ली ब्रेसेस से ही होगा। इस प्रोग्राम में भी हमने सबसे पहले डिजिटल राइट एलईडी 1 हाई करा है और मैं यहाँ पर टाइम पीरियड 100 लिखा हुआ है। ये 1000 से आप शुरू कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस। 100 पर आपकी एलईडी का वर्किंग बहुत अच्छी लग रही है इसलिए हमने इसको 100 करा हुआ है। आप इसके टाइम पीरियड को चेंज करके ज़रूर देखें, उससे आपको हर बार ये पता चलेगा कि आपके थोड़े से चेंजेस से कितना इफ़ेक्ट पड़ता है हार्डवेयर के ऊपर। यहाँ पर आपने लिखा डिजिटल राइट एलईडी 1 हाई, आपने कहा कि एलईडी 1 को हाई कर दो यानी कि ऑन कर दो, कितनी देर के लिए, 100 मिली सेकेंड्स के लिए। इसी तरह से आप एलईडी 2, एलईडी 3, एलईडी 4, एलईडी 5, एलईडी 6, सो ऑन एलईडी 9 तक सबको हाई करते चले गए हैं और सबके बीच में 100 मिली सेकेंड्स का डिफरेंस दिया है। यहाँ पर यह भी समझने की बात है कि आपकी एलईडी 1 900 मिली सेकेंड्स तक ऑन रहेगी क्योंकि वो अभी ऑफ नहीं हो रही है, बल्कि आपकी एलईडी 1 1700 यानी कि 1 सेकेंड 700 मिली सेकेंड्स तक ऑन रहेगी क्योंकि उसके बाद ही उसको ऑफ करने का आपने ऑर्डर दिया है। किस तरह से, देखिए एलईडी 9 तक जब आपने सबको 100 मिली सेकेंड्स के लिए ऑन करा, उसके बाद आपने एलईडी 9 से लो करना स्टार्ट करा है, यानी कि एलईडी 9 100 मिली सेकेंड के लिए ऑन होगी और फिर एकदम से ऑफ हो जाएगी, और फिर एलईडी 8 ऑफ होगी, फिर एलईडी 7, एलईडी 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी तरह से जो सबसे पहले एलईडी ओपन हुई थी वो सबसे एंड में आकर ऑफ होगी, इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक एलईडी 1 ऑन रहेगी। हमारा प्रोग्राम पूरा लिखा जा चुका था तो अब हम इसको एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। और प्रोग्राम वेरीफाई होने में आपको पता है कुछ समय लगता है, कोई भी हमने गलती कर रखी होगी
जो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको पता है कि आपको टूल्स पर जाना है, अपना पोर्ट सेलेक्ट करना है। हम प्रयास करते हैं कि आपको हर बार ये चीज़ें बताई जाएं जिससे आप कभी भूलें ना और कभी गलती ना करें। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब हमें टूल्स पर जाना है, पोर्ट पर जाना है और अपना कॉम पोर्ट सेलेक्ट करना है। मेरा कॉम पोर्ट 5 है यहाँ पर। यहाँ पर जो आप अतिरिक्त कॉम पोर्ट देख रहे हैं वो आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि मैं डिफरेंट आर्डिनोज पर काम करता रहता हूँ, तो सभी के अलग अलग कॉम पोर्ट्स आते हैं। फिलहाल मैं जिस आर्डिनो पर काम कर रहा हूँ उसका कॉम पोर्ट नंबर 5 है, तो मैं कॉम पोर्ट 5 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉम पोर्ट 5 को सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने प्रोग्राम को अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही प्रोग्राम अपलोड होगा आप आर्डिनो पे देख पाएंगे एक LED ब्लिंक करती है और वापस अपनी स्थिति में आ जाती है। इस बीच में दो LED बहुत कम समय के लिए ब्लिंक करती हैं, ये हमारी RX और TX LEDs होती हैं। ये रिसीवर और ट्रांसमीटर का काम करती हैं। इन्हीं दो LEDs की वजह से जब हम अपने आर्डिनो के साथ कुछ सेंसर्स को जोड़ते हैं तो वो आर्डिनो तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, और इन्हीं LEDs की वजह से हम अपने लैपटॉप से जब भी कोई या सिस्टम से जब भी कोई प्रोग्राम आर्डिनो बोर्ड में डालते हैं तो यही उसको रिसीव करके वहाँ पर डिकोड करती हैं 0 और 1 की फॉर्म में। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम हुआ, और अब आप देख पा रहे हैं कि आपकी LED का जो पैटर्न है वो कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं।